आखिर पवन सिंह से सेट पे क्यों मिलने पहुंची पुलिस? जी हाँ दोस्तों, जौनपुर पुलिस का पूरी टीम पहुंची पवन सिंह से मिलने। क्या है पूरा मामला, पूरा वीडियो देखे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। भोजपुरी की ऐसे ही तमाम न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार भोजपुरिया, जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से पवन सिंह को उनके वैनिटी वैन से सेट पर ले जाया जा रहा है पूरे पुलिस के घेराव में। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया, उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों की जा रही, आखिर पुलिस इतनी आसपास क्यों है, क्या पवन सिंह के जान को खतरा है, क्या है पूरा मामला, पूरा वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। बस यही कहना चाहती हूँ, पवन सिंह के फैंस हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ कमेंट करें। आप सभी को बता दूँ कि पवन सिंह इस समय कर रहे हैं जौनपुर में अपने आने वाली फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग, और उसी के दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई थी जिसमें पवन सिंह और रवि किशन जी काफ़ी लोगों के साथ मिलजुल रहे थे और काफ़ी घनिष्ठता दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में। लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह के फिल्म के सेट पे अचानक पथराव हुआ जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी हीरोइन मणि भट्टाचार्य जी को चोट लगे और उनका सिर फट गया, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद यह कहना भी काफ़ी मुश्किल होगा कि पवन सिंह, जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह जी इस समय काफ़ी सुरक्षित हैं, काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा में हैं, और उन्हें बस यही कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वह हमेशा ही भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। और उन्होंने यूपी पुलिस को दिल से धन्यवाद कहा था इतना बड़ा काम करने के। बस यही कहूँगी कि भोजपुरी को हमें आगे बढ़ाना है, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले स्टारों का साथ देना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।